Good noon, class 5th student. Our chapter 4 is Dory's New Home. Today's date is 10-8-2021, that is 10 August 2021. So today we are going to learn hard words. So the first hard word is chilled. CHILLED, chilled matlab bahut hi zyada thanda. Second word is MIGRATE, migrate, ek jagah se dusri jagah jana. Maan lijiye aap aaj Delhi mein rehte hain to aap Punjab ja rahe hain Delhi se. Ye ho gaya. थर्ड है हमारा वैडलिंग, WADDLING, वैडलिंग मीन्स वॉट दैट यू आर टेकिंग स्मॉल स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स लेना. स्केयर्ड, फोर्थ इज स्केयर्ड, SCARED, स्केयर्ड मतलब डर जाना. फिफ्थ इज TEARS, टीयर्स, टीयर्स मतलब आंसू. बी इज वर्ड मीनिंग, सो वर्ड इज हेयर गिवन एंड द मीनिंग इज गिवन ऑन द राइट हैंड साइड. सो द फर्स्ट वर्ड इज बैकफ्लिप. बैकफ्लिप का मतलब क्या होता है? बैकवर्ड मूवमेंट इन एयर वाटर विद हैंड्स एंड लेग स्ट्रेच. जब आप उल्टे चलते हैं अपने हैंड्स और लेग को स्ट्रेच कर उसे बैकफ्लिप बोलते हैं. आपने डांस में देखा होगा बैकफ्लिप, और आपने देखा होगा कि फिश कभी उल्टे तैरती हैं, वो ही होता है बैकफ्लिप. सेकेंड इज चिल्ड, CHILLED, चिल्ड, चिल्ड मतलब कोल्ड एज आइस, इतना ठंडा, कितना ठंडा, आइस इतना ठंडा. थर्ड इज माइग्रेट, MIGRATE, माइग्रेट मीन्स मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर ड्यू टू चेंज ऑफ सीजन, एक जगह से दूसरी जगह जाना क्योंकि मौसम में बदलाव आ रहे हैं. फोर्थ इज स्प्लैश, SPLASH, स्प्लैश मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? साउंड मेड बाय समथिंग फॉलिंग इन वाटर. ये स्प्लैश एक साउंड होता है जब कुछ पानी में गिर जाता है, जैसे छपाक का साउंड, जब आप पानी में कुछ गीटियाँ फेंकते हैं तब. फिफ्थ इज मेड अप योर माइंड, मेड अप योर माइंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? डिसाइडेड ऑन समथिंग, जब हम एक चीज़ सोचते हैं उसे बोलते हैं मेड अप ऑन समथिंग. होप आपको समझ में आया होगा. प्लीज़ रिवाइज दिस. थैंक यू.